हेलो फ्रेंड्स, मैं सुल्ताना, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी टेस्ट में। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर मसूर दाल की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए हमने लिया है 3 टमाटर, 1 प्याज, 1 कप दाल। टमाटर और प्याज को इस तरह से काट लिया है। 8 से 10 लहसुन की कली को छिलके निकाल लिया है और इस तरह से क्रश कर लिया है। मसालों में हमने लिया है आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सरसों का तेल, आधी चम्मच खड़ा जीरा और स्वाद अनुसार नमक। कुकर में डाल देंगे 1 गिलास पानी और दाल को डाल देंगे जिसको हमने धो लिया था। साथ में डाल देंगे कटा हुआ प्याज और टमाटर। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद सारे मसाले को डालकर एक साथ में मिला लेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर को बचा के रखा है वो आखिर में इस्तेमाल करेंगे। सारे मसाले को डाल दिया है, अब इसको मिला लेंगे और कुकर का ढक्कन अच्छे से बंद कर देंगे। चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं। चलिए कुकर को बैठा लेते हैं और गैस के फ्लेम को मीडियम रखें, 2 सीटी आने तक ही पकाएं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम टाइम में बन जाता है, आप भगोने में भी बना सकते हो। दो सीटी लग चुका है, गैस को कर देते हैं बंद और कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको खोलकर देख लेते हैं। टमाटर और दाल दोनों बॉईल हो गए हैं, चलिए इसको तड़का लगा लेते हैं। गैस ऑन करके एक कढ़ाई बैठा लेंगे। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए उसमें डाल देंगे तेल। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं क्रश किया हुआ लहसुन। इसको चलाते हुए पका लेंगे ब्राउन होने तक। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज हो जाए उसमें डाल देंगे बचा हुआ लाल मिर्च पाउडर। जैसे ही लाल मिर्च पाउडर डालें दाल को भी डाल देंगे, नहीं तो तड़का जल जाएगा। ये देखिए दाल हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब इसको सर्व कर लेंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।